हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही भिंडी अचारी मसाला, ये न्यू रेसिपी ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या लगता है। इसके लिए हमें चाहिए भिंडी यानी लेडीज़ फिंगर, जो कि एकदम छोटे छोटे होने चाहिए और सॉफ्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा आप ले, अगर एक दो बड़ा बड़ा आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देख के लीजिए कि ये एकदम से छोटे छोटे भिंडी हो, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा ही भिंडी डालना है, इसको काट के नहीं डालना है। तो ये भिंडी मैंने धो के सब फ्रेश करके रखा हुआ है। अब मैं देखिए किस तरह इसको काट रही हूँ। मैं ऊपर का नीचे का हिस्सा काट दे रही हूँ और पूरा ऐसे ही भिंडी रख रही हूँ, तो इसको इसी स्टाइल में ही काटना है। तो ये सारी भिंडी हम काट कर अलग कर लेंगे और फिर इसमें हम लोग मसाला लगाएंगे, यानी मसाला कोट करेंगे और उसको मैरिनेट करने के लिए हम उसको 10 मिनट तक रख देंगे। तो देखिए ये मैं एक एक करके सारी भिंडी जो है एकदम ध्यान से काट ले रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट ये सारे भिंडी है, ताकि ये जब बन जाए रेसिपी और ये जब भिंडी जब आप खाएं तो ये मुंह में अच्छी तरह से घुल जाने चाहिए और क्रंची भी लगे एट द सेम टाइम। तो देखिए ये सारे भिंडी मैं इस तरह से काट के रख ली। तो ज़्यादा क्वांटिटी के यहाँ मैंने नहीं लिए हैं, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैंने इतना ही क्वांटिटी लिया है। तो इसको देखिए बस पूरा मैंने काट लिया। अब इसको मैं मसाला कोट करूंगी और फिर इसका कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं ये जो भिंडी है इसमें जो मसाला डालूंगी वो है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर नमक थोड़ा सा अभी नहीं देना है, नमक जो अगर भिंडी में अगर आप देंगे तो भिंडी से जो है ना पानी पानी छूटेगा, इसलिए नमक अभी इस टाइम मत दीजिए। मसालों में मैंने यहाँ लिया है शाही जीरा, मतलब साबुत जीरा, साबुत धनिया और एक सूखा मिर्च और दो हरी मिर्चें, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। बस इतने सारे मसाले हमें चाहिए इस चीज़ को बनाने के लिए, यानी भिंडी दही अचारी मसाला। तो हम इस भिंडी को काट के रख दिए, मतलब धोने के बाद काटे हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा लिए हैं। अब इस पर थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर हम देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। यानी भिंडी को हमें मैरिनेट करके इन मसालों के साथ 10 मिनट रखना है। तो ये जो भिंडी है ये मसाला देने से एक काम ये होता है कि इससे पानी जो है अगर थोड़ा सा भी बचा है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और जब इसे हम लोग फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल करारी क्रिस्पी होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, बहुत क्रंचीनेस ये देता है सब्ज़ी में। तो इसीलिए ये भिंडी जो है मैंने मसाला लगाकर इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया। बस ये हो गया है, इसको 10 मिनट हम रख देंगे और देखिए ये मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से कोट हो गया है भिंडी में। बस अब ये मसाला जो है पूरा भिंडी के अंदर तक जाएगी और स्वाद को बढ़ाएगी। इसको हम लोग अब साइड में रख देते हैं और हम दूसरा प्रिपरेशन के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है दही और बेसन को फेंटना। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है दही और बेसन। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं और यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच बेसन, मतलब 1.5 चम्मच लूँगी, 1 चम्मच और थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 चम्मच लगभग बेसन लिया है। अब दोनों को मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो ये देखिए दही को मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर ली, अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि कोई लम्स गुठलियाँ ना बने और दही के साथ जो है बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि ये जब हम तेल में डालेंगे तो दही जो है वो ना फटे और बेसन गुठलियाँ ना छोड़े। तो दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाने से मसाला जो है बहुत अच्छा से ये भुनता है और बहुत अच्छा से ही तैयार होता है, इसीलिए मसाला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो मसाले में ये दही और बेसन का जो घोल है ये हमें अच्छी तरह से फेंट कर इसको एकदम से, इसका कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम से परफेक्ट करनी है जैसे कि चाहिए। तो ये देखिए मैं चम्मच की सहायता से ही इसको मैं फेंट ले रही हूँ, आप चाहे तो इससे भी इसको बीट कर सकते हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे आप हल्का सा पानी दे सकते हैं ताकि कोई लम्स ना रहे, बस इतना ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस हो गया है मेरा। अब मैं ये जो बैटर है इसको मैं साइड करके रख दूँगी इस मिक्सचर को,
और ये अचार मैंने लिया है, ये लहसुन और आम का, कच्चे आम का अचार है। आप चाहे तो सिर्फ आम का भी खट्टा अचार दे सकते हैं, एकदम थोड़ा सा, बस इसका टेस्ट के लिए, इसका फ्लेवर के लिए और कुछ नहीं। अगर आप पूरा वेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये गार्लिक मत दीजिए, सिर्फ आम का थोड़ा सा अचार डालिए। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और इस पर मैं 2 चम्मच बड़े चम्मच तेल मैंने डाल दिया है। इसी तेल में ही पूरा कुकिंग हो जाएगा। पैन एकदम से गर्म है ये कढ़ाई, तो देखिए ये मैं तेल चेक कर ले रही हूँ पूरी तरह से गर्म हुआ है या नहीं। अब ये तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो मैं ये जो भिंडी है जिसके ऊपर हमने मसाला लगाया था ये हम छोड़ दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। लेकिन इसको हम लोग डीप फ्राई नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जो कच्चापन है ये हट जाना चाहिए और ये गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको फ्राई करना है ताकि इसका क्रंचीनेस बरकरार रहे। और ये देखिए ये मसाला से कोट किया था भिंडी, इसीलिए कोई तेल जब आप देंगे, जब तेल में आप ये भिंडी देंगे तो तेल नहीं छिटकेगा, क्योंकि मसाला जो है, तेल जो है मसाला को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए गर्म तेल नहीं छिटकती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और सावधानी से ही छोड़िए। तो ये मैं भिंडी को फ्राई कर ले रही हूँ, तो फ्लेम मैंने इसका हाई कर दिया है। इसको लो फ्लेम में बिल्कुल ना फ्राई कीजिए, क्योंकि हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, क्रंचीनेस इसका ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि हमको इससे पानी नहीं निकालना है। अगर हम धीरे वॉल्यूम में अगर इसको पकाते हैं तो ये पानी छोड़ता है, इसीलिए आप इसको हाई फ्लेम में ही इसको फ्राई कीजिएगा। बस इसको पकाते रहना है इस तरह से। अभी भिंडी लगभग पक चुकी है, मैं इसको फिर से पलट ली और इसका दूसरा पार्ट मैं जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। ये मसाला जो है एकदम भिंडी में अच्छी तरह से मिल चुका है और भिंडी के अंदर तक ये मसाला जा चुका है। बस इतने स्टेज पे ही आपको फ्राई करना है और इसका कलर देखिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, मतलब ये पक चुका है। अब हम इसको तेल से उठा लेंगे और इसी बचे हुए तेल में ही बाकी के सारे जो है प्रोसेस होगा। तो ये भिंडी हम उठा ले रहे हैं, अच्छी तरह से तेल निकाल के उठाइएगा। तो ये सारे भिंडी हम एकदम ध्यान से उठा ले रहे हैं और देखिए मैंने तेल पहले ही 2 बड़े चम्मच ले लिए थे ताकि बाद में तेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप उसी तरह से भी तेल ले सकते हैं, या तो आप भिंडी फ्राई करने के लिए अलग तेल ले सकते हैं कम तेल, और उसके बाद मसाला के लिए भी अलग तेल ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैंने एक बार में ही ये तेल लिया था। अब देखिए हो गया है, अब इसी तेल में हम ये गर्म ही है ये तेल, तो इसी तेल में हम ये साबुत लाल मिर्च जो मैंने तोड़ लिया है, और ये साबुत धनिया और ये साबुत जीरा हमने छोड़ दिया है। धनिया जो है इसको आप थोड़ा सा कूट लीजिएगा तो ये अच्छा फ्लेवर देगा। और इसको हम चला ले रहे हैं एक बार, ये अच्छी तरह से पक जाए। इस पर आप हींग दे सकते हैं, हींग देने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे हींग नहीं दिया है, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस ये मसाला जो है ये अच्छी तरह से चटक गया है। अब इसमें हम जो दही और बेसन का जो घोल यानी मिक्सचर बनाए थे वो डाल देंगे। तो वो हमें बहुत ही सावधानी से डालना है, क्योंकि एक बार में ही डाल देने से ये फटने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हमको ये करछी जो है चलाते जाना है। बस आपको ये चलाते जाना है ताकि एक जगह पे ये दही और बेसन का मिक्सचर ना जमा रहे और ये पकता रहे, तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बाकी के बचे हुए मिक्सचर भी मैंने दे दिया है इस पर। अब मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी और इसको अच्छी तरह से हमें पकाना है। अभी इसमें पानी बिल्कुल ना डालिए, अभी सिर्फ इसको बेसन को और दही के मिक्सचर को अच्छी तरह से तेल में मिक्स करके इसको चलाते रहिए। जब तक ना इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाता है तब तक पानी ऐड ना कीजिए, बस इसको आपको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है इस तरह से। और ये बेसन जो है आपको अच्छी तरह से पकाना है, जब तक ये पूरा अच्छी तरह से नहीं पक जाता है तब तक दूसरे मसाले देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आपको बेसन और दही के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से पकाना है, बेसन जो है इसको पकाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए ये कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन होने लगा है। अब इस स्टेज पे हम पानी दे देंगे, तो उसी कटोरी में बोल में हम पानी दे दिए हैं और बाकी का जो मिश्रण था वो घोल के हम इस पर डाल देंगे। बस अब ये चलाते जाना है हमें। तो ये जो रेसिपी है भिंडी दही की मसाला अचारी जो मसाला सब्जी है, ये थोड़ा सा ड्राई ही खाया जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रेवी पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला है। आप चाहे तो इसे सूखा भी कर सकते हैं,
या तो आप थोड़ा सा ग्रेवी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रेवी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं बाकी के मसाले इस पे डाल दी, जो बाकी मसाले बचे थे सारे मैंने डाल दिए हैं। मसालों का जो क्वांटिटी है वो आपके भिंडी का जो क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना भिंडी आप ले रहे हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा ही भिंडी लिया था, उस हिसाब से मैंने मसाला उस मेजरमेंट से दिया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। बस अब सारे मसालों को दही के साथ और बेसन के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको पकाते जाना है, बस चलाते जाना है। आप करछी ना छोड़िए, क्योंकि इसको चलाना ही बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। इसीलिए देखिए, ये मसाला अच्छी तरह से पकने तक हमको इंतज़ार करने पड़ेंगे। और थोड़ा सा पानी में फिर से ऐड कर रही हूँ, ताकि ये मसाला जो है, ये बेसन जो है ये पानी बहुत पीती है, इसीलिए बेसन में जो है थोड़ा सा पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए जैसे कि मैंने आपको कहा, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और बेसन जो है वो पानी बहुत ज़्यादा लेती है, इसीलिए ये जब सब्ज़ी पक जाएगी, ये जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं मैंने पानी दिया है ग्रेवी के लिए, ये भी अब्सॉर्ब कर जाएगी। क्योंकि आप जब सब्ज़ी बना के कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद देखिएगा ये मसाला जो है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब देखिए स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे नमक दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत कम नमक अभी डाला है। आप इसको लास्ट में जो है रेसिपी बनने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से फिर से थोड़ा सा नमक दे दीजिएगा। तो मैंने अभी थोड़ा सा ही दिया है, बाद में टेस्ट करने के बाद और थोड़ा सा देना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने अमचूर का पाउडर थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल आधा से भी छोटा चम्मच, तो इसलिए इसमें खट्टापन थोड़ा रहेगा। यहाँ पे इसलिए मैं चीनी दे रही हूँ, ताकि ये बैलेंस हो जाए। चीनी हम देते हैं एक तो कलर के लिए, अच्छा कलर आता है, दूसरा खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए। और ये जो सब्ज़ी है ये खट्टा मीठा और तीखा टेस्ट देगा, इसीलिए यहाँ चीनी का डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, और अगर आप दोनों ही नहीं डालना चाहते, सिर्फ ऐसे ही खट्टा और खट्टा जो है उसी का टेस्ट आपको चाहिए, खट्टा या तीखा, तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ चीनी या गुड़ डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। बस ये मसाला जो है ये पकने ही वाली है पूरी तरह से। अब मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा गरम मसाला दे दूँगी, तो बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा मैं नहीं दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च दे दूँगी इसके कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। और गरम मसाला मैंने दे दिया है, इससे क्या होता है इसका जो फ्लेवर है और भी अच्छा आता है। तो बस हो गया है, ऑलमोस्ट पक चुका है। अब मैं कश्मीरी लाल मिर्च दूंगी और उसके बाद और 2 मिनट पकाऊंगी इसको, ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। और फिर उसके बाद भिंडी को डालूंगी और फिर 2 मिनट इसको पकाना है, उसके बाद हमारा ये जो भिंडी मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। अब देखिए ये जो मसाला है आप देख पाएंगे, ये एक बॉयल आ गई है इस पर। इस स्टेज पे हम ये जो अचार है जो स्पेशल हम देना चाहते हैं, इसमें जो मसाला है ये, इसमें ये अचार देने से अचार का फ्लेवर इस मसाले में आ जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। मैंने आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे अचार डाला है, आप अचार डाल भी सकते हैं नहीं भी, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। मैंने दिया है तो ये फ्लेवर जो मैंने टेस्ट किया, ये मैंने पहले भी बनाया और इसका फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो आप अचार देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अचार जो है वो आप आम का भी दे सकते हैं, या मिर्च का भी दे सकते हैं, या लहसुन और आम का भी दे सकते हैं, या आपके ऊपर है। और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो सिर्फ आम का ही दीजिए, बिल्कुल वेज। और ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने दे दिया है इसके कलर के लिए। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट चलाऊंगी, और उसके बाद मैं बाकी के सारे भिंडी जो है इसमें डाल दूंगी और उसको 2 मिनट तक पकाऊंगी और फिर निकाल लूंगी। और हमें जो भिंडी है इसमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल इसको पानी नहीं करना, इसको थोड़ा क्रंचीनेस रहेगा उसी स्टेज पर, उतने स्टेज पर ही हमको भिंडी को पकाना है मसालों के साथ और फिर निकालना है। तो ये देखिए मसाला जो है तेल छोड़ने लगी, एकदम रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर हम भिंडी को डाल देंगे और भिंडी को हम बस 2 मिनट तक ही पकाएंगे। और थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ उसी बर्तन में जिसमें मसाले भी लगे हैं, और वो पानी मैं दे दूँगी और फिर इसको 2 मिनट चलाऊँगी और फिर मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो देखिए ये जो थिकनेस है मसालों का, ग्रेवी का, वो आप देख ही सक रहे हैं। तो ये जो मसाला जो है ये जब मैं निकालूंगी, बस आप थोड़ी देर बाद देखना, ये एकदम से ग्रेवी जो है ये एकदम से
खिंच जाएगी पूरा भिंडी के अंदर, एकदम से अब्जॉर्व कर जाएगी। तो एकदम से ही ड्राई ग्रेवी दोनों ही आपको मिलेगा, मतलब आपका मन भर जाएगा खाने से, इतना मैं बता सकती हूँ। और देखिए मसाला भी बहुत अच्छी तरह से बना है, मसाला पक चुका है बिल्कुल, और भिंडी के अंदर अभी ये पक रही है ताकि भिंडी के अंदर मसाला जाए। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख ले रही हूँ उसमें नमक सही है या नहीं। तो यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा और नमक ऐड करूँगी और इसको बैलेंस कर लूँगी इसके टेस्ट को। तो आप भी नमक थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा, नमक मीठा जो भी है, अगर आपको कम लगता है तो आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा फिर से, और अगर ठीक है तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। बस हो चुका है ये मेरा मसाला भिंडी रेडी, अब इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे। तो बस हो चुका है, 2 मिनट से ज़्यादा आप बिल्कुल ना रखिए, नहीं तो ये पूरा एकदम से नरम हो जाएगा ये भिंडी। ये देखिए पूरी तरह से पक चुका है ये भिंडी मसाला, दही भिंडी अचारी मसाला। बस इस स्टेज पर ही हम गैस को बंद कर देंगे और इसका डिश आउट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल पक चुकी है, अब इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे। देखिए बंद करने के बाद देखिए मसाला कितनी तेज़ी से ही अब्जॉर्व कर ले रही है। यही खासियत है बेसन का, आप किसी भी सब्ज़ी में अगर देते हैं तो सब्ज़ी का थिकनेस जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ मैंने प्लेटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं, और सब्ज़ी में जो मसाला है वो देख सकते हैं कितना अब्जॉर्व हो चुका है और कितना थिक गाढ़ा है ये मसाला। तो ये खाने में आप अगर इसको रोटी और चपाती के साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर बनाइए, घर पर ट्राई कीजिए, ये बनाने में बहुत ही आसान है, घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम इसे आसानी से कभी भी बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़रूर बेल आइकन जो है प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन